हाय गाइस, मेरा नाम है राजेश। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, आप कैसे आपका फ़ोन में अनदर एक गूगल अकाउंट को खोल पाओगे। तो अब जब पहली बार फ़ोन खरीदते हो तो क्या होता है, तो जब गूगल में लॉगिन करते हो तो सिंपली वहाँ पर लिखा हुआ होता है साइन इन और क्रिएट ए न्यू अकाउंट। बट अब एक बार आपके फ़ोन में गूगल अकाउंट खुल चुके हो, उसके बाद आपका दूसरा एक अकाउंट उसी फ़ोन में खोलना है व उसी फ़ोन में अलग गूगल अकाउंट को क्रिएट करना है, न्यू गूगल अकाउंट करना है, तैयार करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, तो वही जो प्रोसेस है मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप अपने फ़ोन पे आइए। फ़ोन पे आने के बाद आपको जो फोन में गूगल क्रोम है उसको ओपन कीजिए। तो मैं गूगल क्रोम को ओपन किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए थ्री डॉट है ऊपर दाहिनी तरफ, देखिए थ्री डॉट है, इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो चुका है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जाके लिखिए गूगल डॉट कॉम। गूगल डॉट कॉम पर आने के बाद यहाँ पर दाहिनी तरफ साइड पे देखिए, यहाँ पर मेरे एक तस्वीर है, फ़ोटो है। तो आपका फ़ोन में पहले से ही लॉगिन होगा तो गूगल, तो आपका फ़ोटो दिखेगा। आपका फ़ोटो नहीं अपलोड होगा तो आपका जो नाम है उसका पहली अक्षर जो होता है ABCDASR जो होता है वो दिखेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जब इसको क्लिक करोगे तब यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज अकाउंट्स, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड ए अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है गूगल, गूगल पे क्लिक कीजिए। तो मेरे फ़ोन में पासवर्ड था तो उसे पासवर्ड मांग रहा है, इसको मैंने खोल दिया। उसके बाद साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो आपको एक आपका फ़ोन में साइन इन करना है तो आप यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पासवर्ड देके साइन इन करना कर पाओगे। और आपको नया गूगल अकाउंट क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ए अकाउंट, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए पूछ रहा है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो मैं आप लोगों को एक गूगल अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नाम है मैंने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग नेक्स्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर पूछ रहा है, तो जो डेट ऑफ बर्थ है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जेंडर में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है आप गूगल अकाउंट का कैसे, आपको गूगल अकाउंट चाहिए, तो सिंपली मेरा जो वो जिसका मैं गूगल अकाउंट खोल रहा हूँ उसका नाम मैं लिख देता हूँ। आप सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में रखिए तो अच्छा होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा था वो नहीं हो पा रहा है, तो गूगल ने कुछ नाम सिलेक्ट करके दिया है। आप लोगों को इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो पहला वाला अक्षर है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड डाला है वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो गाइस मैंने पासवर्ड डाल दिया है, तो गाइस मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। तो इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, यहाँ पर आई एग्री। फिर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो गाइस
ऐसे आपका गूगल अकाउंट जो है वो आपके फ़ोन में खुल चुका है। देखिए यहाँ पे जो आपका जो गूगल अकाउंट है वो नया क्रिएट हो चुका है। ऐसे करके आप नया एक गूगल अकाउंट आपके फ़ोन में खोल पाओगे, और अंदर कोई अकाउंट है आपके पास तो उसको इस फ़ोन में, एक ही फ़ोन में दोनों गूगल अकाउंट को आप यूज़ कर पाओगे। तो गाइस मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ कोई भी हेल्प मिला हो, तो कोई भी मदद हुआ तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।